तो मेरे भाई दिवाली आने वाली है, फोन्स के पटाखे अभी से फूटने लग गए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से ब्रांड्स के फोन आने वाले हैं। ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, सैमसंग, इन्फिनिक्स, माइक्रोमैक्स, आईफोन, पोको, वन प्लस, एस्यूस। तो दोस्तों इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा, बस एक के बाद आपको एक फोन बताते रहूंगा मैं, क्योंकि ढेर सारे फोन हैं। वन प्लस 8T, स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 4500 mAh की बड़ी बैटरी और 65 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ। तो दोस्तों बहुत दिन से रियलमी का कोई फ्लैगशिप फोन नहीं आता, और इस बार आ रहा है रियलमी का X3 Pro। तो प्रोसेसर की अगर बात करें तो यह तो स्नैपड्रैगन 865 प्ले वाला या तो मीडियाटेक डायमंड 1000 प्लस। डिस्प्ले के बारे में अगर बात करो तो 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, कैमरा 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, और बैटरी में आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी और 65 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलने वाला है। Realme 7 है जिसके ऑलरेडी बहुत सारे टीजर्स और यूमर लॉन्च हो चुके हैं, जो कि डेफिनेटली मिड अक्टूबर तक लॉन्च होने वाला है। Realme का C17 जो कि बांग्लादेश में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो शायद अपने यहाँ पे भी देखने को मिल जाए। Xiaomi Mi 10T जो कि सितंबर में से ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, इंडिया में भी हमें ज़रूर दिखाई देने वाला है अक्टूबर में। दोस्तों Mi 10T एक फ्लैगशिप फ़ोन तो नहीं है, पर मिड रेंज के अंदर ये एक प्रीमियम फ़ोन होने वाला है। पर दोस्तों ये तो बाद की बात होगी, बट Redmi का आने वाला है Note 10 सीरीज, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये आने वाला है आपका डायमंड सिटी प्रोसेसर के साथ। चाइना में दोस्तों अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है, तो अपने वहाँ भी शायद से दिवाली से पहले आ सकता है। और दोस्तों Xiaomi का जो सब ब्रांड है पोको, वो भी अपना एक अंडर 10,000 फोन लाने वाला है, जो कि पोको C3, Redmi 9A या फिर 9i के नाम से आ सकता है। दोस्तों किडनी बेचने वाले फ़ोन भी आने वाले हैं, क्योंकि आईफोन का 12 सीरीज़ भी लॉन्च होने वाला है, जिसमें कि आपका 4 फोन होने वाला है। उनके नाम आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 मैक्स। और दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि वीवो V20 और V20 प्रो लॉन्च होने वाला है, जिसमें सिर्फ इसका प्रोसेसर का डिफरेंस होने वाला है V20 और V20 प्रो में, जिसके हाईलाइट्स उसके सेल्फी कैमरा होने वाला है, और V20 प्रो में 48 मेगापिक्सल का ड्यूअल सेल्फी कैमरा होने वाला है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि ओप्पो का F21 और F21 Pro आने वाला है, जो कि इन्होंने 6 महीने से कुछ लॉन्च नहीं किया था एफ सीरीज में, अब अचानक से F21 और F21 Pro। और दोस्तों एसूस का Zenfone 7 और Zenfone 7 Pro, जो कि ताइवान में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बट नॉट श्योर कि इंडिया में आ सकता है या नहीं, लेट्स वेट। दोस्तों गूगल का Pixel 4a और Pixel 5 आने वाला है, जो कि Pixel 4 है ऑलरेडी ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और अक्टूबर में शायद इंडिया में आ जाए, बट Pixel 5 का नहीं कह सकती क्योंकि बाद में भी आ सकता है। दोस्तों अक्टूबर में माइक्रोमैक्स के भी एक दो फोन आने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे लीक्स आ चुके हैं, और इन्फिनिक्स हॉट 10 तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और इन्फिनिक्स नोट 8 के लीक आ चुके हैं, मतलब इन्फिनिक्स की तरफ से भी एक दो फोन डेफिनेटली आने वाले हैं। और दोस्तों सैमसंग की तरफ से भी एक एफ सीरीज आने वाला है, F41, जो कि मिड रेंज में प्रीमियम फोन होने वाला है। भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार।